नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 जुलाई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कम होने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया के अंतर्गत शनिवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनलॉक 4 को लेकर घोषणा की गई, जिसमें दुकानों, संस्थानों व धार्मिक स्थलों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। वहीं वीकेंड कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते कल रविवार को दुकानदारों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोली। अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 4.0 को लेकर लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में लगातार कमी होने के चलते कई रियायतें दी हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि कोरोना कम हुआ है, अभी गया नहीं है, इसलिए लापरवाही नहीं करें। सीएम गहलोत ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले दिनों में कोविड के मामले लगातार कम हुए हैं, जिसके कारण कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन याद रखें कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया। जयपुर शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ जयपुर में रविवार शाम बारिश शुरू हुई, जो खबर लिखे जाने तक जारी रही। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरने की भी खबर मिली है। नाले उफान पर रहे जयपुर समेत कई शहरों में बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, तो बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि कई जगह राहत की ये बारिश आफत साबित हुई। कोटा के गरडा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र के कुदिन्ना गांव में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मासूमों की मौत हो गई। बारा में भी आकाशीय बिजली गिरने से 1 किसान की मौत हो गई, तो झालावाड़ में भी आकाशीय बिजली के कहर ने एक जिंदगी छीन ली। जयपुर में बच्चों की तस्करी का मामला सामने आया है। ओडिशा की एक 17 साल की किशोरी को मौसी दिल्ली से लेकर आई थी। उसे दलालों ने पहले दिल्ली में 2 बार बेचे और इसके बाद बच्ची को जयपुर लाकर एक परिवार को 51,000 रुपये में बेच दिया। परेशान किशोरी ने पुलिस को खुद फोन कर इसकी जानकारी दी। पीड़ित ने पुलिस को कहा, मैं जवाहरनगर से बोल रही हूँ, यहाँ पर मुझे घर में बंद कर रखा है, मुझे मारते पीटते हैं और डराते हैं, मुझे गांव में मम्मी के पास जाना है, मुझे बचा लो। इसके बाद जवाहरनगर थाना पुलिस कुछ ही देर में जवाहरनगर में मकान की तलाशी करते हुए पहुँच गई। पुलिस ने बच्ची को बालिका गृह में भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है कि उसने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी बनाया है। सरकार ने 25 फरवरी को नए कानून लागू किए थे। इन नियमों का 3 महीने के भीतर यानी 25 मई से पहले पालन किया जाना था, लेकिन ट्विटर ने डेडलाइन खत्म होने के 40 दिन बाद इन नियमों का पालन किया है। इससे पहले 27 जून को ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए की गई थी। राजसमंद जिले के कैलवाड़ा थाना क्षेत्र के मेलावड़ी गांव में एक दर्दनाक घटना हो गई, जहां जहरीले जानवर के काटने से दादी पोती की मौत हो गई। परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार दादी पोती घर में सो रही थी, उसी दौरान किसी जहरीले जानवर ने उन दोनों को काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून की आमद होने के 20 दिन से ज़्यादा गुजरने के बाद भी मानसून की रफ्तार स्थिर बनी हुई है, लेकिन अब पूरे प्रदेश में मानसून का इंतज़ार खत्म होने को है। आगामी 24 से 36 घंटे के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून गति पकड़ेगा। इसके कुछ जिलों में तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में अभी भी हल्की बारिश ही होगी। वहीं बारिश नहीं होने से गर्मी अपनी तेजी पर है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश के करीब 17 शहरों में पारा 40 डिग्री और इससे ऊपर रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जयपुर व दौसा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। डूंगरपुर जिले के आसपुर के साबला थाना क्षेत्र के बकरिया गांव में पानी में डूबते बेटे को बचाने के प्रयास में मां की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 4 वर्षीय बेटे को बचाने के बाद दलदल में पैर फंसने से यह हादसा हो गया। महिला अपने पीहर आई हुई थी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
जयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने रिपोर्ट देते हुए अनिल व नसीम अहमद के खिलाफ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने की बात को लेकर 55 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। उसका आरोप है कि आरोपियों ने न तो एडमिशन करवाया और न ही रुपए लौटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में साजिश के तहत विवाह करवाने का मामला सामने आया है। अब व्यक्ति को कुछ लोगों की ओर से परेशान किया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। मुकदमा नहीं करवाने की एवज में रुपए मांगे जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने शोजीराम रामनारायण मनभर सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बीकानेर में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मामला शहर के भाटोलाई शमशान घाट के पास स्थित पार्क का है। बताया जा रहा है कि मृतक भंवरलाल जाजड़ा और हत्यारा विकास रंगा दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। वारदात से पहले दोनों समझौता करने के लिए मिले थे। विकास और भंवरलाल दोनों नया शहर इलाके के रहने वाले हैं। दोनों युवकों के किसी बात को लेकर अनबन हुई थी। इसके बाद समझौता करने के लिए दोनों नियमित बैठक वाले भाटोलाई शमशान घाट में स्थित एक पार्क में पहुंच गए। इसी दौरान विकास ने भंवरलाल पर चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद विकास वहां से भाग गया। हालांकि पुलिस ने विकास को कुछ ही घंटों में बाद पकड़ लिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।